तस्वीर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के जवानों की है। आईटीबीपी जवानों के मदद की यह तस्वीर हिमाचल की है। तस्वीरों में आईटीबीपी के जवान एक घायल व्यक्ति के मदद कर रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी के जवानों ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में श्रीखंड महादेव मार्ग से एक घायल ट्रैकर का रेस्क्यू किया है। घायल शख्स को बचाने के बाद उसे नागरिक प्रशासन को सौंप दिया गया। घायल शख्स को बचाने के लिए आईटीबीपी के जवान कुल 12 घंटे पैदल चले। रास्तों की कठिनाई को दरकिनार कर आईटीबीपी के जवानों ने 18,000 फीट की ऊंचाई से उस घायल व्यक्ति को बचाने के लिए कुल 18 किलोमीटर की दूरी इन पथरीली और बर्फीली रास्तों पर तय की। संजू भाई, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि रास्ता कितना कठिन है और मुश्किल भरा, और इस बात का अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि इस व्यक्ति की मदद के लिए आईटीबीपी के जवानों ने कितनी चुनौतियों को पार किया। जिस व्यक्ति की आईटीबीपी के जवानों ने मदद की, वो अपने 3 और साथियों के साथ दुनिया के सबसे कठिनतम श्रीखंड महादेव यात्रा पर ट्रैकिंग करते हुए निकला था। इस यात्रा पर सरकार ने रोक लगा रखी है। इस यात्रा को पूरा करने में कम से कम 6 दिन लगते हैं और रास्ता इतना खतरनाक है कि पल भर में जान चली जाती है। जिस व्यक्ति की आईटीबीपी के जवानों ने मदद की, उसके पैर में मोच लग जाने के कारण वो आगे की यात्रा पर नहीं जा सका। उसके साथियों ने भी उसे वहीं छोड़ दिया। जब एक दूसरे ट्रैकिंग ग्रुप ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी, तब सूचना मिलते ही प्रशासन ने आईटीबीपी, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन और स्थानीय युवाओं के 20 जवानों की टीम रेस्क्यू करने के लिए भेजी। कठिनाइयों को पार करते हुए आईटीबीपी के जवानों ने जिस तरीके से युवक की जान बचाई, वो एक मिसाल है। पीछे वाला उठाओ। तस्वीरें बताती हैं कि चुनौती कितनी बड़ी थी और कितनी खतरनाक। उसके बावजूद भी आईटीबीपी के जवानों ने वो सब कर दिखाया जो लगभग नामुमकिन था। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब आईटीबीपी के जवानों ने ऐसे मुश्किल हालातों में देश के लोगों की मदद की हो। ऐसे कई मौके आ चुके हैं जब देश के इन जाबाजों ने आगे बढ़कर लोगों की मदद की और खूब तारीफें बटोरी। इन जवानों के शौर्य के किस्से सिर्फ लोगों की मदद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इन्होंने देश के दुश्मनों से लोहा लेने में भी अपनी जान की परवाह नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।